Assalamu alaikum everyone, this is Ali from Masek. मैं लेके आया हूँ दो डिवाइसेस का रिव्यू जो कि है Oppo के F7 के लेके और Xiaomi का Redmi Note 5. जी हाँ गाइज, Redmi Note 5 होने जा रहा है लॉन्च पाकिस्तान में अप्रैल के फर्स्ट वीक में. Xiaomi ने भी अपनी साइट पर मेंशन कर दिया है ज्वाइन लिस्ट के लिए. अगर आप इस लिस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा. और Oppo F7 के बारे में रूमर्स ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये भी मिड ऑफ अप्रैल में आ जाएगा. देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. अब स्टार्ट करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन से. तो सबसे पहले बात करेंगे Oppo के F7 को लेके. Oppo के F7 में आपको क्या क्या मिलेगा. अब स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन. Oppo के F7 में आपको मिलने वाला है फ्रंट गोरिल्ला कॉर्निंग ग्लास 5, जिसका डिस्प्ले साइज होगा 6.23 इंचेस में, ऑलमोस्ट 6.3 इंचेस का होगा. ये सपोर्ट करेगा 1080x2280 के पिक्सल्स को. इसके अंदर आपको पिक्सल डेंसिटी में देखने को मिलेगी 405 की. जी हाँ गाइस, पीपीआई आपको मिलेगा 405 का देखने को. इसके अगर आप बात करेंगे फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में आपको मिलने वाली है इसमें नॉच. आईफोन एक्स की तरह आपको बड़ा हमेशा या यूजुअली आईफोन को फॉलो करता है, इसमें आपको आईफोन एक्स की तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन उस साइज में नहीं मिलेगा, बड़े साइज में देखने को मिलेगा. अब बात करते हैं इसके चिपसेट की. तो चिपसेट आपको मिलने वाला है हीलियो पी सिक्सटी का आपको चिपसेट देखने को मिलेगा. मीडिया टेक हार्डवेयर ओपो इस्तेमाल करता है. इसके अंदर जीपीयू आपको मिलेगा माली के साथ आपको G72 MP3 की स्पीड मिलने वाली है जीपीयू में. अब बात करेंगे मेमोरी स्लॉट की. तो मेमोरी स्लॉट में आपको दो ही सिम चलाने को मिलेगी या एक सिम एक मेमोरी कार्ड हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगी. इसके अंदर आपको जो मेमोरी सपोर्ट मिलती है रैम के साथ आपको 6GB और 64GB का वेरिएंट आपको पहले देखने को मिलेगा पाकिस्तान की मार्केट में. उसके बाद हो सकता है कि ओप्पो F7 यूथ को लेके आए और 3GB 32GB या 4GB 32GB का वेरिएंट भी शो करे मार्केट में. अब बात करते हैं इसके कैमरे की. तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा. जी हाँ गाइस, ओप्पो ने बड़ा इंप्रूव किया अपने रियर कैमरे को. रियर कैमरे में आपको अपर्चर अभी तक मेंशन कहीं नहीं किया गया ओप्पो की तरफ से कि इसके अंदर अपर्चर आपको कौन सा मिलता है, लेकिन आपको 16+16 मेगापिक्सल के दो कैमरे रियर साइड पर देखने को मिलेंगे. फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा एज यूजुअली ओप्पो एक सेल्फी फोन बनाता है, तो सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा आपको 25 मेगापिक्सल का. इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिलेगी आपको 3400 mAh की बैटरी मिलेगी. चार्जर की कनेक्टिविटी मिलेगी 2.0 के साथ. ये कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता. बात करेंगे इसके सेंसर्स की. तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक. इसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर अभी तक मेंशन नहीं है कि कहीं पे ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा. ऑल ओवर अगर बात करें डायमेंशन की, तो ये आपको 19:9 का बहुत बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है ओप्पो F5 में. अब बात करते हैं रेडमी नोट 5. जी हाँ फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नोट 5 की स्पेसिफिकेशन की. तो नोट 5 में आपको मिलने वाला है डिस्प्ले 5.99 इंच का, जो कि सपोर्ट करता है 18:9 की रेजोल्यूशन डिस्प्ले को. इसके अंदर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी फुल एचडी प्लस की, जो कि सपोर्ट करेगी 1080x2160 को, जो कि पिक्सल सपोर्ट करता है, पीपीआई सपोर्ट करता है 403 का. जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे इसके प्रोसेसर की. तो प्रोसेसर में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 636, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है. और जीपीयू इसमें इस्तेमाल किया गया 5098 यूनो का. 1.8 ऑक्टा कोर काइरो का आपको इसके अंदर प्रोसेसर मिलने वाला है. अब बात करेंगे इसकी मेमोरी की. तो मेमोरी में आपको दो वेरिएंट पाकिस्तान में देखने को मिल सकते हैं, 3GB और 32GB, 4GB और 64GB. ये हाइब्रिड सिम स्लॉट होगा. इसके अंदर आप दो सिम चला सकते हैं या एक सिम एक मेमोरी कार्ड को चला सकते हैं. अब बात करते हैं इसके कैमरा की. तो फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि अपर्चर सपोर्ट करता है F2.2 को. इसके अंदर आपको फेशियल अनलॉक भी मिल सकता है, क्योंकि AI सपोर्ट करता है, AI कैमरा है. और रियर साइड की बात करेंगे, तो रियर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे दो कैमरे, क्योंकि एक होगा 12 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के साथ. इसके अंदर आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट मोड मिलने वाले हैं. इसके अंदर अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, तो ये आपको मिलेगा 30 FPS पर रिकॉर्डिंग करेगा 1080p पर फ्रंट कैमरा, और बैक कैमरा जो रिकॉर्डिंग करेगा वो 2160 पर रिकॉर्डिंग करेगा 30 FPS पर. इसके अंदर आपको डेप्थ इफेक्ट दोनों कैमरा दोनों साइड पर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेंगे, बुके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं. अब बात करेंगे नोट 5 की बैटरी की. तो बैटरी आपको मिलने वाली है 4000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को भी 3A 5V के साथ. बैक साइड पर आपको मिलता है रियर फिंगरप्रिंट लॉक. फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास देखने को अभी तक अनस्पेसिफाइड मिलता है किसी भी जगह पर. Xiaomi की तरफ से स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास इस्तेमाल किया गया है. ये थी इन दोनों की स्पेसिफिकेशन Oppo F7 की और Xiaomi के Redmi Note 5 की. गाइस, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नोट 5 को और F7 के दरमियान, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. F7 आपको मिलता है 19:9 की रेशो पर, जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है. लेकिन अगर देखा जाए 18:9 की रेशो इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उसको इजी टू कैरी था, आप एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते, 100 ऑपरेट कर सकते थे. 19:9 की थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. और दूसरा, स्क्रीन साइज को अगर देखा जाएगा तो 6 इंच का स्क्रीन साइज फिजिबल है एज कंपेयर टू
6.3K, क्योंकि 6.3 काफी बड़ा फोन हो जाता है। अगर आप बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी ओप्पो F7 में आपको मिलती है 3300 mAh की बैटरी, और आपको इसमें मिलेगी Redmi Note 5 में मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, तो 4000 mAh की बैटरी बहुत फिजिबल है। ओवरऑल अगर प्राइस की बात करेंगे तो ओप्पो F7 अब तक रूमर्स ये है कि ये 40,000 रुपए में 6GB और 64GB में आएगा, और जो Xiaomi का फोन है 4GB 64GB आपको मिलेगा 30,000 रुपए में, और जो आपको मिलेगा 3GB और 32GB 24 से 25,000 रुपए की रेंज में। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन सी चीज मार्केट में रूल करती है, कौन सी नहीं। अगर मैं अपने वोट की बात करूंगा तो एज यूजुअली मैं अपने पैसों को बचत करने की सोचूंगा। मुझे कैमरा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोसेसर बहुत मैटर करता है, मुझे बैटरी बहुत मैटर करती है, और ऑल ओवर अगर मैं Xiaomi का एक्सपीरियंस करूं तो मुझे बहुत अच्छा फील मिलता है यूज करने में। तो मेरा वोट जाएगा Redmi Note 5 Pro की तरफ। आप कमेंट सेशन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप वोट किसको देने वाले हैं, आपको कौन सी डिवाइस पसंद आने वाली है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं हूं अली अब्बास से, अल्लाह हाफिज।